यहाँ पर हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम एक फाइल है यहाँ पर खोल लेते हैं, यानी एक फाइल बना लेते हैं इसके लिए। सौ पेज का बना लेते हैं। अब यहाँ पर सुनेंगे हम, सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य किस तरीके से, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है, ये रहा है आज, इसके आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। क्या आर्थिक नीतियां रही हैं ब्रिटिश साम्राज्य की, और क्या उसका प्रशासनिक ढांचा रहा है, यानी यहाँ पर प्रशासन ने किस तरीके से काम किया है, प्रशासनिक ढांचा क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त तरीके इजाद करने पड़े थे। 1757 से 1857 की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीति है अक्सर बदलती रही है, फिर भी इसने अपना लक्ष्य कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वे लक्ष्य कौन कौन से थे? पहला लक्ष्य था इनका कंपनी की मुनाफे में बढ़ोतरी, यानी कंपनी के मुनाफे में ही बढ़ोतरी कर रहे थे। दूसरा इनका लक्ष्य था भारत का पर अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना। जो भी भारत पर इन्होंने कंपनी वालों ने अधिकार किया था वो ब्रिटेन के लिए फायदे के लिए किया गया था। तीसरा इनका जो लक्ष्य था वो था भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कायम रख करके उसे सुदृढ़ बनाना। इसके अतिरिक्त अन्य लक्ष्य इन उद्देश्यों के मदद के लिए थे। भारत सरकार का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था और विकसित किया गया था। इस मामले में मुख्य जोर कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जाता था, ताकि बिना व्यवधान के या बिना समस्या के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और देश के संसाधनों का दोहन किया जा सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सरकार का ढांचा। सरकार का ढांचा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में क्या किया था, 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का उनका नाम मात्र का भी इरादा नहीं था। वह सिर्फ अपना लाभकारी व्यापार जारी रखना चाहते थे। उनकी यह थी भी मंशा थी कि कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहें। 1765 से 1772 तक दोनों सरकारें एक साथ काम कर रही थी। भारतीय अधिकारियों को पहले की तरह काम करने की अनुमति थी, लेकिन वे ऐसा ब्रिटिश गवर्नर अथवा अधिकारियों की देखरेख में ही कर सकते थे। भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व थे लेकिन अधिकार नहीं थे। इसके विपरीत कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार पूरे थे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ही अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे, यानी दोनों ही तरफ भारतीय जो अधिकारी थे वो भी दुराचारी और भ्रष्ट थे, और अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ भी दुराचारी और भ्रष्ट थे। तो 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और बंगाल का शासन अपने हाथ में लेकर के अपने अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिए। लेकिन विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाली कंपनी में जो अंतर्निहित बुराइयां होती हैं वे जल्दी ही यहाँ पर स्पष्ट झलकने लगी। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी जिसका ढांचा पूर्वी देशों से व्यापार के लिए बनाया गया था, और इसके साथ ही इसका सर्वोच्च अधिकारी भारत से हजारों मील की दूरी पर इंग्लैंड में रहता था। इसके बावजूद करोड़ों लोगों के ऊपर इसने राजनीतिक आधिपत्य कायम कर लिया था, और इस असामान्य स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार के आगे अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन में बैठे कंपनी के अधिकारीगण हजारों मील दूर से किस तरह नियंत्रण करें, भारत में स्थित अधिकारियों और सैनिकों की विशाल संख्या पर किस प्रकार अंकुश रखा जाए,
बंगाल, मद्रास और मुंबई में बिखरे हुए कंपनी के अधिकार क्षेत्रों के लिए भारत में एक ही नियंत्रण केंद्र किस प्रकार स्थापित किया जाए। इनमें से पहली समस्या सबसे बिगड़ थी, सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा यह समस्या ब्रिटेन में जारी दलगत एवं संसदीय दाव पेचों से, अंग्रेज राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से और अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लोभ से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। बंगाल के भारी संसाधन कंपनी के हाथों में आ गए थे और उसके मालिकों ने फौरन ही लाभांश की दर बढ़ा करके 1767 में 10% कर दी थी। 1771 में उन्होंने इसे और भी बढ़ा करके 12.5% करने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी के अंग्रेज सेवकों ने अपनी स्थिति का लाभ उठा करके गैर कानूनी और असमान व्यापार और भारतीय शासकों और जमींदारों से जबरदस्ती रिश्वत और तोहफे वसूल करके तेजी से धन कमाया। और क्लाइव जब 34 वर्ष की आयु में इंग्लैंड लौटा तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसे प्रतिवर्ष 40,000 पौंड की आय हो सके। कंपनी के द्वारा दिए गए लाभांश की ऊंची दरें और उनके अधिकारियों के द्वारा भारी संपत्ति लेकर स्वदेश लौटने और ब्रिटिश समाज के दूसरे वर्गों में ईर्ष्या की आग यहाँ पर भड़का दी। कंपनी के एकाधिकार के कारण पूर्व के साथ व्यापार न कर पा रहे व्यापारी और उद्योगपतियों की उभरता वर्ग और आमतौर पर ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की उभरती शक्तियाँ सभी उस लाभकारी भारतीय व्यापार और भारत की विशाल संपत्ति में हिस्सा चाहते थे जिसका अभी तक कंपनी और उसके सेवक ही उपयोग कर रहे थे। इसलिए इस व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश की गई और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल में कंपनी के शासन पर हमला किया। उन्होंने भारत से ब्रिटेन लौटने वाले कंपनी के अधिकारियों को अपना खास निशाना बनाया, उन अधिकारियों को नवाब कह करके प्रेस और मंच पर उनका मजाक उठाया और अभिजात वर्ग ने उनका बहिष्कार किया। भारतीय जनता का शोषक और उत्पीड़क कह करके उनकी निंदा की गई। उनके दो खास निशाने थे क्लाइव और वॉरेन हॉस्टिंग्स। कंपनी के विरोधों की आशा थी यहाँ पर कंपनियों के जो विरोधियाँ थे, जो भी विरोध कर रहे थे कंपनी के विरोधी, उनको आशा थी कि नवाबों की निंदा करके वे कंपनी को अलोकप्रिय बना सकेंगे और फिर उसे स्थानच्युत कर सकेंगे। अनेक मंत्री और संसद के दूसरे सदस्य भी बंगाल की संपत्ति से लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जन समर्थन पाने के लिए कंपनी को मजबूर किया कि वह ब्रिटिश सरकार को खिराज दे ताकि भारत से प्राप्त राजस्व के सहारे इंग्लैंड में टैक्सों या सार्वजनिक ऋणों का बोझ कम किया जा सके। और 1767 में संसद ने एक कानून बना करके कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने में प्रतिवर्ष 4,00,000 पौंड देना अनिवार्य बना दिया। अब ब्रिटिश के अनेक राजनीतिक विचारक और राजनेता कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधि पर अंकुश लगाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शक्तिशाली बनकर कंपनी और उसके अधिकारी अंग्रेज राष्ट्र या उसकी राजनीति को नष्ट कर देंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजनीति अत्यंत ही भ्रष्ट हो चुकी थी। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। अनेक अंग्रेज राजनेताओं को चिंता लगी थी कि भारत को लूट के बल पर कंपनी और उसके अधिकारी ब्रिटिश सरकार पर निर्णायक प्रभाव डालने की स्थिति में आ जाएंगे। कंपनी और उसके विशाल भारतीय साम्राज्य पर अंकुश लगाना आवश्यक है वरना भारत का स्वामिनी बनकर के कंपनी ब्रिटिश प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी और ब्रिटिश जनता की स्वतंत्रता का हनन करने की स्थिति में आ जाएगी। मात्र कंपनी को प्राप्त विशेष अधिकारों पर अर्थशास्त्रियों ने उस उभरते वर्ग भी चोट की, यानी उभरते वर्ग ने भी यहाँ पर चोट की जो मुक्त व्यापार और उद्योग पर आधारित पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम जो स्मिथ हैं, उन्होंने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों की संपत्ति में सीमित सदस्यता वाली कंपनी की निंदा की है। इस तरह इस प्रकार की सीमित कंपनियां अनेक अर्थों में क्षतिकारी हैं। वे जिन देशों में स्थापित होती हैं उनके लिए कमोबेश असुविधाजनक होती हैं और जिन देशों में दुर्भाग्य से उनकी सरकार स्थापित हो चुकी है उनके लिए विध्वंस का कारण है। इस तरह ब्रिटिश राज है कंपनी के अधिकारियों के जो भी पारस्परिक संबंधों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब कंपनी को सरकार से 10,00,000 पौंड का ऋण मांगना पड़ा। लेकिन अगर कंपनी के अनेक शक्तिशाली शत्रु थे जो संसद में उनके शक्तिशाली मित्र भी थे, इसके अलावा सम्राट जॉर्ज
तृतीय जो थे वो उनके संरक्षक थे। इसलिए कंपनी ने जमकर शत्रुओं का सामना किया और अंत में संसद ने एक समझौते का रास्ता निकाला जिसके अनुसार कंपनी के हितों और ब्रिटिश समाज के विभिन्न प्रभावशाली वर्गों के बीच एक नाजुक संतुलन कायम हो गया। यह तय किया गया कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को ब्रिटेन के उच्च वर्गों के सामूहिक हित से चलाया जा सके। साथ ही पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करने का उनका बहुमूल्य हक भी उसी के हाथों में रहेगा। भारत के प्रशासन का विस्तृत ब्यौरा कंपनी के डायरेक्टरों के लिए छोड़ दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। तो कब आता है रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या कंपनी का महत्वपूर्ण संसदीय कानून था और इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गठन में परिवर्तन हुआ। उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई पर रेगुलेटिंग एक्ट व्यवहार में जल्दी ही बेकार सिद्ध हुआ। इसके कारण ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण नहीं मिल सका। यह कानून कंपनी और उसके शक्तिशाली और मुखर होते जा रहे विरोधियों के झगड़े को भी नहीं सुलझा सका। इसके अलावा कंपनी अपने शत्रुओं के हमले का निशाना बनी रही क्योंकि उनके भारतीय अधिकार क्षेत्रों का प्रशासन भ्रष्ट दमनकारी और आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी ही बना रहा। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा जिसे पिट का इंडिया एक्ट कहते हैं। तो ये 1784 में बना था, इसको हम बोलते हैं पिट आता है। इस कानून के बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। उसने भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नरी नियुक्त किए। इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन और संचालन इन्हीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के करना था। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल और 3 सदस्य वाली एक काउंसिलिंग के हाथों में दे दिया ताकि अगर एक सदस्य का समर्थन भी गवर्नर जनरल को प्राप्त हो तो वह अपनी मत मनवा सके। इस कानून ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर लिया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हो गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का साधन बन गई। अब भारत का शासन इस प्रकार चलाया जाना था कि उससे ब्रिटेन के शासक वर्गों के सभी भागों के हित पूरे हो सके। भारत और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार सुरक्षित पाकर कंपनी भी संतुष्ट हो गई। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त करने और सेवा मुक्त करने का लाभकारी अधिकार था यानी कि कोई भी अधिकारी नियुक्त करना है या कोई भी अधिकारी सेवा मुक्त करना है उसका लाभदायी अधिकार है डायरेक्टरों के हाथ में बना रहा। इसके अलावा भारत की सरकार को भी उसी के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्था की गई। पिट्स के इंडिया एक्ट ने यहाँ पर यह सामान्यतः ढांचा तो निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार 1857 तक चलाई गई, पर बाद में कानूनों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनसे कंपनी की शक्तियाँ और विशेष अधिकारों में धीरे धीरे कमी आई। जैसे 1776 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा और हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसलिंग की राय को ठुकरा सके। 1813 में यहाँ पर चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में आता है। तो 1813 में ये चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई, पर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। भारत की सरकार और उसका राजस्व कंपनी के हाथों में ही बने रहे। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के पास ही रहा। 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया और साथ ही कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब उसे कंपनी के सभी शेयर होल्डर को अपनी पूंजी पर 7.5% लाभांश भी देना था।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कड़े नियंत्रण में रहकर भारत में कंपनी सरकार चलाती रही। और इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न संसदीय कानूनों ने कंपनी और उसके भारतीय प्रशासन को पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अधीन बना दिया। साथ ही यह भी माना जाने लगा कि भारत का रोजमर्रा का प्रशासन 6000 मील दूर कर रहकर नहीं चलाया जा सकता, नहीं उस पर निगरानी रखी जा सकती है। इसलिए गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग को सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। चूंकि प्रश्नों पर काउंसलिंग की राय को ठुकराने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था, इसलिए अब वही भारत का वास्तविक एवं प्रभावी शासक बन गया और ब्रिटिश सरकार की निगरानी, नियंत्रण और मार्गदर्शन में शासन चलाने लगा। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन की एक नई प्रणाली स्थापित की, लेकिन इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने से पहले अच्छा यह होगा कि हम उन उद्देश्यों को समझ सके जिनकी पूर्ति के लिए यह प्रणाली बनाई गई। किसी देश की प्रशासन प्रणाली का प्रमुख कार्य यह होता है कि वह अपने शासकों के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि कंपनी से लेकर के लंकाशायर के उद्योगपतियों तक ब्रिटेन के विभिन्न वर्गों के अधिकतम लाभ के लिए वे भारत का आर्थिक शोषण कर सके। और 1773 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कार्नवालिस, इन्होंने बंगाल सरकार के लिए दो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर निर्धारित किए। ये उद्देश्य थे राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरा भारत पर अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथासंभव लाभदायी बनाना। साथ ही भारत पर विजय और उस पर विदेशी शासन का पूरा खर्च भी स्वयं भारत से ही निकाला जाना था। इसलिए भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की यहाँ पर जांच पड़ताल परम आवश्यक है। तो भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ हैं 1767 से 1857 तक किस तरीके से रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां और कब से कब तक की बात हो रही है, ये हो रही है 1767 से 1857 तक। सबसे पहले हम देखते हैं वाणिज्य नीति। क्या देखते हैं? वाणिज्य नीति। तो वाणिज्य नीति की बात करें, 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल और बहुमूल्य धातुएं लाता था, इसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचता था। इसके मुनाफे का मुख्य स्रोत विदेशों में भारतीय माल का विक्रय था। स्वाभाविक था कि कंपनी ब्रिटेन और दूसरे देशों में भारतीय मालों के लिए नए लगातार बाजार खोजती रही है, और इस प्रकार उसने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाया और उसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। यही कारण था कि भारतीय शासक भारत में कंपनी के द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना को न सिर्फ सह लेते थे बल्कि उसे प्रोत्साहित भी करते थे। अब बात करते हैं, पर आरंभ से ही जो ब्रिटिश उद्योगपति हैं ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की जो लोकप्रियता थी, यानी ब्रिटेन के लोग भारत के कपड़ों को पसंद करते थे, तो भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से वो ईर्ष्या करते थे। वस्त्रों का फैशन एकाएक बदल गया। अंग्रेजों की खुरदरे ऊनी कपड़ों की जगह हल्के सूती वस्त्रों ने ले ली थी। प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्स क्रूसो के लेखक डेवियन डीफो की ये शिकायत थी कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे कक्षों, हमारे सैन्य नगरों में भी प्रवेश कर चुके हैं। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां, अंत में हमारे बिस्तर भी मलमल और भारतीय वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं रहे हैं। भारतीय मालों के ब्रिटेन में विक्रय को कम करने और समाप्त कराने के लिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला और 1720 तक छापेदार या रंगे हुए सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून यहाँ पर बन चुके थे। 1760 में एक भद्र महिला को आयातित रुमाल रखने पर 200 पौंड जुर्माना देना पड़ा था। इसके अलावा सादे वस्त्रों के आयात पर भारी महसूल लगाए गए। हॉलैंड को छोड़कर दूसरे यूरोपीय देशों ने भी भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध लगा दिया या उन पर भारी आयात शुल्क लगा दिया। लेकिन इन कानूनों के बावजूद भारत के रेशमी और सूती वस्त्र 18वीं सदी के मध्य तक विदेशी बाजारों में जमे रहे, मगर तब तक नई और विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग पनपने लगा।
भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंधों में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद एक गुणात्मक यहाँ पर परिवर्तन आया है। तो 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध होता है यहाँ पर 1757 में, प्लासी का युद्ध। और इसके बाद में यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन आता है भारत के साथ कंपनी के जो भी व्यापारिक संबंध थे। अब बंगाल पर उनके राजनीतिक नियंत्रण के सारे कंपनी भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी, अपना भारतीय व्यापार भी वो बढ़ा सकती थी। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाने के लिए बंगाल से प्राप्त राजस्व का भी उपयोग किया है। 1750 से 1751 में भारतीय कारखानेदारों ने ब्रिटेन को 15 लाख पौंड का भारतीय माल निर्यात किया, जिसे कंपनी की गतिविधियों के कारण 1797 से 1798 तक बढ़ा करके 58 लाख पौंड हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके बंगाल के बुनकरों पर अपनी शर्तें ला दी और उन्हें अपना माल कम और निर्धारित दामों के साथ घाटे पर भी बेचने के लिए बाध्य किया। इसके अलावा अब उन्हें श्रम की आज़ादी भी नहीं रही, उनमें से अनेक कंपनियों के लिए कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर किए गए। भारतीय कारखानेदारों के लिए अनेक काम करने पर रोक लगा दी। कंपनी ने अपने भारतीय और विदेशी प्रतिद्वंदी व्यापारियों को बाहर कर दिया। बंगाल के दस्तकारों को अधिक मजदूरी और दाम देने से उन्हें रोके रखा। कंपनी के नौकरों ने कच्चे कपास की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया, इसके लिए वे बंगाल के बुनकरों से मनमाने दाम वसूलने लगे और इस तरह बुनकर है खरीदार तथा विक्रेता दोनों ही रूपों में घाटे में रहे हैं। साथ ही इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों पर भारी आयात शुल्क भी देने पड़ते थे। ब्रिटिश सरकार अपने उभरते हुए मशीनी उद्योग की सुरक्षा देने पर अड़िग थी, क्योंकि उसके पास या उसके माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय मालों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और फिर भी भारतीय मालों की कुछ साख यहाँ पर बनी रही। भारतीय हस्तशिल्प को असल धक्का 1813 के बाद जब लगा, जब उनके हाथों से न केवल विदेशी बाजार छिन गया बल्कि भारतीय बाजार में भी उनके लिए कोई जगह नहीं रही। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उनके आर्थिक संबंधों को पूरी तरीके से बदल दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 18वीं सदी के पहले और कुछ दशकों में ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हुए हैं। आधुनिक मशीनी और कारखाना प्रणाली, पूंजीवाद के आधार पर ब्रिटिश उद्योगों का तेजी से विकास और प्रसार हुआ है और इस विकास को अनेक कारणों से बल मिला है। इससे पहले की सदियों ने ब्रिटेन का विदेश व्यापार से तेजी से फैलता आया है। युद्धों और उपनिवेश के द्वारा ब्रिटेन ने अनेक विदेशी बाजारों पर एकाधिकार कायम कर लिया। इन निर्यात बाजारों के कारण ब्रिटेन के निर्यातक उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जिससे उत्पादन और संगठन की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया। अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सबसे बढ़कर के भारत ने निर्यात के लिए असीम अवसर प्रदान किए हैं। यह बात सूती वस्त्र उद्योग के लिए खास तौर पर सही है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख वाहक बन गया। ब्रिटेन ने अब तक व्यापार की एक औपनिवेशिक प्रणाली स्थापित कर ली थी, जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला है और औद्योगिक क्रांति ने बदले में इस प्रणाली को और भी मजबूत बनाया है। औपनिवेश और अल्प विकसित देश ब्रिटेन को अपने खेतों और खाद्यान्नों के कच्चे माल का निर्यात करते और ब्रिटेन उन्हें अपने कारखानों का तैयार माल बेचते। दूसरी, नई मशीनें और कारखानों में लगाने के लिए देश में पर्याप्त पूंजी जमा हो चुकी थी। इसके अलावा यह पूंजी सामंत वर्ग के हाथों में नहीं थी, इसे विलासी जीवन और भोग में खर्च कर डालता, बल्कि यह व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में थी जो उद्योग और व्यापार में लगाने के लिए उत्सुक थे। और इस मामले में अफ्रीका, एशिया, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका से तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नौकरों के द्वारा भारत से प्लासी युद्ध के बाद ले जाई गई पूंजी से औद्योगिक प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरी, और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से फलते फूलते उद्योगों की अधिक सस्ते श्रम की आवश्यकता पूरी की। 1740 के बाद ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और 1780 के बाद 50 वर्षों में यह कितनी हो गई थी? दुगनी हो गई थी। चौथे, हम बात करें कि ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जिस पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव था, इसलिए उसने बाजारों और उपनिवेशों के लिए दूसरे देशों से जमकर युद्ध किया है। पांचवी, हम बात करें कि अधिक उत्पादन की मांगें प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा पूरी की गई। ब्रिटेन के उभरते उद्योगों ने हरग्रीव्स, बॉट,
क्रॉप्टन और कार्टराइट और दूसरे देशों के आविष्कारों का भरपूर सहयोग किया। इनमें से अनेक आविष्कार सदियों पहले हुए थे मगर अब उनका उपयोग होने लगा। इन आविष्कारों और भाप की शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए अब उत्पादन को अधिकाधिक कारखानों तक सीमित किया जाने लगा। यह भी ध्यान रहे कि इन आविष्कारों ने क्या किया था, औद्योगिक क्रांति को जन्म नहीं दिया था बल्कि फैलते बाजारों के लिए उत्पादन तेजी से बढ़ाने की उद्योगपतियों की इच्छा और इसके लिए आवश्यक पूंजी लगा सकने की उनकी क्षमता के ही कारण थे। अब तक विद्यमान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके और नए आविष्कारों की आवश्यकता का अनुभव किया जा सके। वास्तव में उद्योग के लिए संगठन ने तकनीकी परिवर्तनों को मानव विकास की एक स्थायी विशेषता बना दिया और इस दृष्टि से देखें तो औद्योगिक क्रांति कभी समाप्त नहीं हुई क्योंकि 18वीं सदी के मध्य से औद्योगिक आधुनिक उद्योग और प्रौद्योगिकी को लगातार एक चरण से दूसरे चरण तक विकास होता रहा है। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश समाज में बुनियादी परिवर्तन आए हैं। इसके कारण तीव्र आर्थिक विकास हुआ है जो आज ब्रिटेन, यूरोप, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के उच्च जीवन स्तर का आधार है। वास्तव में 19वीं सदी के आरंभ में पहले तक आज के आर्थिक दृष्टि से उन्नत और पिछड़े देशों के जीवन स्तरों में बहुत स्पष्ट अंतर नहीं है। पिछड़े देशों में औद्योगिक क्रांति का न होना ही यह वह कारण था जिसकी वजह से आज की दुनिया में आय के अधिक अंतर देखे जाते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन का अधिकाधिक नगरीकरण होता गया। अधिकाधिक लोग कारखाने वाले नगरों में बसने लगे। 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक जनसंख्या केवल दो नगर थे जबकि 1851 में ये संख्या है 29 हो गई थी। समाज में एकदम नए दो वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग औद्योगिक पूंजीवादियों का था जो कारखानों के मालिक थे और दूसरा वर्ग मजदूर का था जो दैनिक मजदूरी पर अपनी श्रम शक्ति बेचते थे। पहले वर्ग का तेजी से विकास हुआ और वह अभूतपूर्व समृद्धि का उपयोग करने लगा जबकि श्रम करने वाले जो गरीब थे यहाँ पर श्रम करने वाले गरीब मजदूरों की आरंभ से आंसू के घूंट यहाँ पर पीने पड़े। वे अपने ग्रामीण वातावरण से उजाड़ दिए गए और उनकी परंपरागत जीवन पद्धति छिन्न भिन्न और नष्ट कर दी गई। अब उन्हें नगरों में रहना पड़ता था और धूल धुक्कड़ और धुएं से भरे थे। उनके घरों में स्थान बहुत ही कम होता था। वे गंदगी से भरे होते थे। उनमें से अधिकांश को अंधेरे धूप से वंचित गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था और इन सबका मार्मिक वर्णन चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यासों में किया है। कारखानों और खदानों में काम के घंटे असहनीय सीमा तक लंबे होते थे। कभी कभी प्रतिदिन 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। कभी कभी 4-5 वर्ष के बच्चे को भी कारखाने और खदानों में लगा दिया जाता था। एक मजदूर का जीवन आमतौर पर गरीबी, कड़ी मेहनत और बीमारियां और कुपोषण का जीवन होता था। केवल 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही उनकी आमदनी में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकी है। उद्योगपतियों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय ने भी भारतीय प्रशासन और उनकी नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला है। साम्राज्य में इस वर्ग की दिलचस्पी ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बहुत भिन्न थी। भारतीय दस्तकारों के निर्यात पर एकाधिकार होने से और भारतीय धन के सीधे सीधे दोहन से इस वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला है। जब इस वर्ग की संख्या शक्तिशाली और उसके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई तो वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर चोट करने लगा। चूंकि इस वर्ग का मुनाफा व्यापार नहीं बल्कि कारखानों के उत्पादन की देन थी इसलिए वह तैयार भारतीय माल के आयात को नहीं बल्कि अपने माल का भारत को निर्यात और भारत के कपास जैसे कच्चे मालों के आयात को प्रोत्साहन देना चाहता था। 1769 में ब्रिटिश उद्योगपतियों ने एक कानून बनवा करके कंपनी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह प्रतिवर्ष 380,000 पाउंड से अधिक मूल्य वाले ब्रिटिश कारखानों के माल का निर्यात करे। हालांकि इस सौदे में कंपनी को बहुत घाटा हुआ। 1793 में उन्होंने कंपनी को मजबूर किया कि वह अपने जहाजों से उन्हें प्रतिवर्ष 3,000 टन माल ढोने की छूट दे। पूर्वी देशों और खासकर भारत को 1794 में 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात हुआ मगर 1813 तक यह निर्यात बढ़कर के 110,000 पाउंड का अर्थात 700 गुना हो गया। लेकिन यह बढ़ोतरी भी लंका शायर के उद्योगपतियों की आशा से कम सिद्ध हुई जो अब भारत में अपना निर्यात बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने लगा। जैसा कि आरसी दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आगे चलकर लिखा है कि 1812 की जो पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के प्रयास का उद्देश्य यह पता लगाना था कि उनकी जगह ब्रिटिश कार
जो कारखानदार हैं उन्होंने कैसे दी जाए, और भारतीय उद्योग की कीमत पर ब्रिटिश उद्योग को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को और भारत के राजस्व और निर्यात व्यापार पर नियंत्रण के जरिए कंपनी को शोषण पद्धति को और ब्रिटिश कारखानेदार और अपनी जो आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रमुख बाधक समझते थे। 1793 तथा 1813 के बीच उन्होंने कंपनी और उसके व्यापारिक विशेष अधिकारों के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियान चलाया है और अंततः 1813 में भारतीय व्यापार पर उसका एकाधिकार है यहाँ पर समाप्त कराने में वे सफल रहे हैं। इस घटना के बाद भारत के साथ ब्रिटिश के आर्थिक संबंधों का एक नया युग आरंभ हुआ। खेतिहर भारत को अब औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। भारत सरकार ने अब मुक्त व्यापार अथवा हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश माल के आबाद भारत प्रवेश की नीति अपनाई। भारतीय दस्तकारियों को अब ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के साथ भीषण और असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। वे नष्ट होने लगी। भारत में ब्रिटिश माल बिना किसी शुल्क के या मामूली आयात शुल्क के साथ आने लगा। नए नए इलाके जीत करके अवध जैसे संरक्षित राज्यों पर सीधा कब्जा करके ब्रिटिश सामान के खरीदारों की संख्या बढ़ाने का प्रयास भी भारत सरकार ने किया। अनेक ब्रिटिश अधिकारी और राजनीतिक नेताओं और व्यापारियों ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी भी की ताकि किसान बेहतर स्थिति में हो और विदेशी कारखानों से बना माल खरीद सके। उन्होंने भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया ताकि अधिकाधिक भारतीयों में पश्चिमी मालों के प्रति रुचि का विकास हो सके। हाथ से तैयार भारतीय माल उन ब्रिटिश कारखानों से बहुत ही सस्ते मालों का मुकाबला नहीं कर सके जो नए आविष्कारों और बड़े पैमाने पर भाप की शक्ति का उपयोग करके अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे थे। कोई भी सरकार अगर केवल भारतीयों के हितों की शुभचिंतक होती तो वह ऊंचे आयात शुल्क लगा करके भारतीय उद्योगों को संरक्षण देती और इस प्रकार जो समय मिलता उसमें पश्चिम से नई तकनीकों का आयात कर चुकी होती। 18वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए यही किया था। उस समय फ्रांस और जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका भी यही कर रहे थे। अनेक दशकों के बाद सोवियत संघ और जापान ने भी यही किया और आज स्वतंत्र भारत यही कर रहा है। पर विदेशी शासकों ने भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया बल्कि उन्होंने क्या किया था, विदेशों को भारत में प्रवेश की खुली छूट दी और विदेशों ने आयात तेजी से बढ़ चला। केवल ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात 1813 में 11 लाख पौंड था जो कि 1856 में बढ़कर के 63 लाख पौंड हो गया। मगर भारत पर लादी गई मुक्त व्यापार की यह नीति एक तरफा थी। भारत के दरवाजे तो विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए मगर जो भारतीय माल ब्रिटिश मालों से प्रतियोगिता कर सकते थे उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिए गए। अब अंग्रेजों का उद्योग भारतीय दस्तकारियों की तुलना में औद्योगिक श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका था। फिर भी अंग्रेज वाजिब और सामान शर्तों पर भारतीय माल नहीं खरीदते थे। ब्रिटेन में अनेक प्रकार के भारतीय मालों पर ऊंचा आयात शुल्क तब तक जारी रहा जब तक कि उनका निर्यात लगभग बंद ही नहीं हो गया। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें 1824 में भारत में मोटे सूती कपड़ों पर आयात शुल्क की जो दर थी वो 67.5% थी और भारतीय मलपल पर यह 37.5% थी। और ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारतीय चीनी पर जो शुल्क लगता था उसकी लागत के 3 गुने से अधिक होता था। कुल मामले में हम बात करें कि इंग्लैंड में यह शुल्क 400% से भी अधिक हो गया। इस प्रकार प्रतिबंध मूलक शुल्क और मशीनी उद्योग के विकास के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप दूसरे देशों के लिए भारत का निर्यात तेजी से गिर गया और ब्रिटिश व्यापारी नीति की बेईमानी का वर्णन ब्रिटिश इतिहासकार H.S. विल्सन ने इन शब्दों में किया है कि यह बात साक्ष्य में कही गई है कि उस समय तक भारत में सूती और रेशमी माल को इंग्लैंड में तैयार मालों की तुलना में 50-60% कम कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता था। परिणाम स्वरूप भारतीय मालों पर उनकी कीमतों पर 70-80% तक शुल्क लगा करके इंग्लैंड के मालों को संरक्षण देना आवश्यक हो गया। अगर ऐसे प्रतिबंधक शुल्कों और आदेशों का उपयोग नहीं किया होता तो पेस्ले और मैनचेस्टर के कारखाने अपने आरंभ काल में ही बंद हो चुके होते और भाप की शक्ति का उपयोग करके भी वे उनको शायद दोबारा आरंभ नहीं किया सकता। उनका जन्म भारतीय कारखानेदारों का बलिदान देकर ही संभव हो सका। अगर भारत स्वतंत्र होता तो वह भी बदले की कार्यवाही करता और ब्रिटिश मालों पर प्रतिबंधता मूलक शुल्क लगाता और इस तरह अपने उत्पाद उद्योगों को नष्ट होने से बचा लेता।
और उसे आत्मरक्षा का यह कदम उठाने की अनुमति नहीं थी। वह विदेशियों की दया का मोहताज था। बिना कोई शुल्क चुकाए ब्रिटेन के माल उन पर ला दिए गए और विदेशी कारखाने द्वारा राजनीतिक अन्याय का सहारा लेकर के अपने उन प्रतियोगियों को दबा दिए रखा। अंततः उनका गला घोट दिया गया, जिसके साथ बराबरी की शर्तों पर भी प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। भारत को अब मजबूर किया गया कि उसके तैयार माल का निर्यात करने की जगह अब कच्चे माल और कच्चे रेशम जैसे मालों का निर्यात करे, जिनकी ब्रिटिश उद्योगों को यहाँ पर क्या थी, सख्त जरूरत थी। फिर भी नील और चाय जैसे बागानों के उत्पादन और अनाजों का निर्यात करे, जिसकी ब्रिटेन में कमी थी। 1856 में भारत में 43 लाख पौंड के कच्चे कपास का निर्यात किया गया, मगर तैयार सूती माल का निर्यात केवल 8,10,000 पौंड का था। इसी वर्ष भारत ने 29 लाख पौंड के अनाज, 17,30,000 पौंड की नील और 7,70,000 पौंड के कच्चे रेशम का निर्यात भी किया। अंग्रेजों ने चीन में भारतीय अफीम की बिक्री को भी प्रोत्साहन किया। ऐसे समय में जबकि चीनियों ने अफीम के जहरीले और हानिकारक गुणों के कारण अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर इस पर व्यापार से ब्रिटिश व्यापारियों को भारी मुनाफा और कंपनी के द्वारा नियंत्रित भारतीय प्रशासन को भारी राजस्व मिलते थे। दिलचस्प की बात यह है कि ब्रिटेन में अफीम के आयात पर कड़ा प्रतिबंध था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का निर्यात मुख्यतः कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलन, गेहूं, खाल, चमड़ा, नील और चाय तक सीमित था। इस तरह 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति का निर्धारण ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार होने लगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता और कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। उसके बाद में कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर संपत्ति का दोहन भी किया। संपत्ति का से हम बात करें, भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन को भेज रहे थे और इसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक और भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। यह आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की खास विशेषता थी। इससे पहले बुरी से बुरी भारतीय सरकार ने भी जनता से चूसी गई दौलत का उपयोग देश के अंदर ही किया था, चाहे उन्होंने इस धन की सिंचाई, नहरों या फिर ट्रंक रोड बनाने पर खर्च किया हो, महल, मंदिर या मस्जिद बनाने में लगाया हो, युद्धों या विजय के लिए उनका उपयोग किया हो या व्यक्तिगत भोग विलास में उन्हें उड़ाया हो, मगर यह धन अंततः भारतीय उद्योग और व्यापार को ही प्रोत्साहित करता था, भारतीयों को रोजगार देता था। इसका कारण यह था कि विदेशी विजेता जैसे कि मुगल भी जल्दी भारत में बस गए और उन्होंने इसी को अपना घर बना लिया, पर अंग्रेज हमेशा विदेशी ही बने रहे। भारत में काम कर रहे और व्यापार कर रहे लगभग सभी अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने की योजना बनाते रहते थे और भारत की सरकार पर नियंत्रण विदेशी व्यापारियों की एक कंपनी और ब्रिटेन की सरकार का था। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता से प्राप्त कर और आय का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज भारत में नहीं बल्कि अपने देश ब्रिटेन में खर्च करते थे। बंगाल में संपत्ति का यह दोहन 1757 से प्रारंभ हुआ और उसके बाद कंपनी के नौकर, भारतीय शासक, जमींदार, व्यापारियों और साधारण जनता से झटक करके जमा की गई बेपनाह दौलत अपने देश ले जाने लगे। 1758 से 1765 के बीच उन्होंने 60 लाख पौंड की दौलत ब्रिटेन भेजी और 1765 में बंगाल के नवाब की जमीन की कुल जितनी मालगुजारी प्राप्त हुई वह रकम उनके 4 गुना से भी अधिक थी। यह भयानक दोहन से में कंपनी के व्यापारिक मुनाफे शामिल नहीं थे। यह कमाई भी प्राय गैरकानूनी कमाई से कम नहीं होती थी। 1765 में कंपनी ने बंगाल की दीवान प्राप्त कर ली और इस तरह राजस्व पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। जल्दी ही कंपनी ने अपने नौकरों से भी बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष दोहन की व्यवस्था खड़ी कर ली और वह बंगाल के राजस्व से ही भारतीय माल खरीदकर उनका निर्यात करने लगी और इस खरीद को पूंजी निवेश कहा जाता है। इस तरह इन पूंजी निवेशों के रूप में बंगाल का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा और मिसाल के लिए 1765 से 1770 के बीच कंपनी ने मालों के रूप में लगभग 70 लाख पौंड का धन बाहर भेजा, जो बंगाल मात्र के राजस्व का लगभग 33% था। 18वीं सदी के अंत तक भारत को राष्ट्रीय आय का लगभग 9% भार भेजा जा रहा था, पर वास्तविक दोहन और भी अधिक था क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के वेतन और दूसरी आय, अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा भी इंग्लैंड ही जाता है।
इस दोहन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्यात उसके आयात से बढ़ गया, मगर इसका कोई लाभ भारत को नहीं मिला। हालांकि वार्षिक दोहन को ठीक ठाक रकम का हिसाब अभी तक नहीं लगाया जा सकता, पर कम से कम 1757 से 1857 के बीच इस दोहन की वास्तविकता को ब्रिटिश अधिकारी बड़े पैमाने पर स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष और बाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1840 में स्वीकारा था कि भारत से आशा की जाती है कि वह इस देश को प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख पौंड स्टर्लिंग के बीच में कोई रकम भेजे और बदले में मामूली मूल्य के सैनिक भंडारों के अलावा किसी बात की आशा ना करे। मद्रास के बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलीवन ने यह टिप्पणी की थी कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पेन की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख करके टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। 1858 के बाद यह युद्ध जो दोहन है बढ़ता ही गया। हालांकि अब ब्रिटिश प्रशासक और साम्राज्यवादी लेखक उनकी सच्चाई से इनकार करने लगे और 19वीं सदी के अंत तक यह दोहन भारत की राष्ट्रीय बचत का लगभग एक तिहाई था और खासकर 18वीं सदी में और 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के आरंभिक काल में भारत से बाहर ले जाए गए धन की ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास के लिए पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में दोहन की यह रकम ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% होती थी। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि उस समय अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 7% ब्रिटेन उद्योग कृषि में लगाता था तो इस आंकड़े का महत्व समझ में आ जाता है। यातायात और संचार के साधनों का विकास, तो यातायात और संचार के साधनों का भी विकास होता है यहाँ पर। यातायात और संचार के साधनों का विकास, संचार के साधनों का विकास। जैसे हम बात करें 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। यातायात बैलगाड़ी और तांगों तक सीमित था। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है या ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना है तो यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना आवश्यक है। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर लगाना और सड़कों को सुधारना आरम्भ किया। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड 1839 में यहाँ पर ये कारम जीटी रोड है कलकत्ता से दिल्ली तक ये जीटी रोड है, इसका कार्य आरंभ हुआ था 1839 में और 1850 में ये कार्य खत्म होता है, यानी 11 वर्ष में ये कार्य खत्म हुआ था। सड़कों के द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और मंडियों को जोड़ने के प्रयास भी किए गए, पर यातायात में वास्तविक सुधार रेलों के आरम्भ के बाद हो पाया है। जॉर्ज स्टीवेंसन का बनाया गया पहला रेल इंजन है 1814 में पटरियों पर चलाया गया था। तो ये जॉर्ज स्टीवेंसन ने बनाया था रेल इंजन 1814 में। सबसे पहले रेल कब आई थी? 1814 में सबसे पहले रेल इंजन चलाया गया था और ये रेल इंजन बनाया था जॉर्ज स्टीवेंसन। और वहां पर 1830 से 1840 के दशकों में रेलों का तेजी से विकास हुआ। जल्दी ही भारत में तेजी से रेल लाइनें बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगे। ब्रिटिश उद्योगपतियों को आशा थी कि इस प्रकार देश के भीतर दूरदराज के इलाकों की विशाल और अभी तक पकड़ से बाहर रहा बाजार भी उन्हें मिल जाएगा और उनकी जो भूखी मशीनें हैं उनको चलाने वालों के लिए भारतीय कच्चे माल और खाद्य सामग्री का निर्यात आसान हो जाएगा। ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकर्ताओं को लगा कि उनकी अतिरिक्त पूंजी सुरक्षा के साथ भारत में रेलों के विकास में लगाई जा सकती है। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को लगा कि उनके उत्पादनों जैसे कि पटरियां, इंजन, रेल डिब्बे या दूसरी मशीनें आदि की बिक्री इससे बढ़ सकती है। जल्दी ही भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। उसे रेलों के रूप में एक और अच्छी बात भी नजर आई कि उनके सैनिकों की भर्ती और आवाजाही तेजी से हो सकेगी और इस प्रकार और भी प्रभावी और कुशल ढंग से देश का प्रशासन चलाना, आंतरिक विद्रोह और बाहरी हमलों में अपने शासन को सुरक्षा कर सकना संभव हो सकेगा। भारत में रेल लाइनें बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था और इस रेल के डिब्बे को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाले रेलों का प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटरों
और वित्तपतियों और भारत से व्यापार कर रहे व्यापारी घरानों और कपड़ा उत्पादकों ने इस प्रस्ताव को भारी राजनीतिक समर्थन मिला और तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइनें बिछाएं और रेल चलाएं। भारत सरकार ने जमानत दी थी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा और मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल लाइनें यहाँ पर कब चली थी, 1853 में चली थी पहली रेल लाइन। में चली थी 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेल लाइनें बिछाने के विचार का पक्का समर्थक था और 1853 में लिखे एक प्रसिद्ध नोट में उन्होंने रेलों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम सामने रखा। उसने चार प्रमुख ट्रंक लाइनों के एक जाल का प्रस्ताव रखा जो देश के अंदरूनी भागों को बड़े बंदरगाह और देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ सके। 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियां 4000 मील से अधिक लाइनें बिछा चुकी थी पर यह प्रणाली काफी खर्चीली थी और धीमी साबित हुई, इसलिए 1869 में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल लाइनें बिछाने का फैसला लिया। लेकिन रेलों के प्रसार की गति अभी भी भारत के अधिकारियों और ब्रिटेन के व्यापारियों की संतुष्टि नहीं कर सकी। 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों ने रेल लाइनें बिछाई और 1905 तक लगभग 28,000 मील लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। भारतीय रेलवे के विकास के तीन महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, इन रेल लाइनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी थी और यह पूंजी लगभग पूरी की पूरी ब्रिटिश पूंजी निवेशकों की थी, इसमें भारतीय पूंजी का भाग नगण्य था। दूसरा, आरंभ के 50 वर्षों में इसमें वित्तीय घाटा ही होता रहा है, वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती थी और प्राइवेट कंपनियों ने जो लाइनें बिछाई थी उनका घाटा तो भारत सरकार ने पूरा किया क्योंकि वह लगाई गई पूंजी पर एक निश्चित लाभ देने की जमानत दे चुकी थी। और 1850 के दशक में ब्रिटेन में ब्याज की दर लगभग 3% थी, उसे देखते हुए लाभ की है 5% की दर आकर्षक थी। और तीसरा, रेलों की योजना तैयार करने का उनका निर्णय करके उनके प्रबंध में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को आर्थिक महत्व नहीं दिया गया। इसके विपरीत खास ध्यान भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति का रखा गया। ये रेल लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई। भारतीय उद्योग बाजारों और कच्चे मालों की आपूर्ति के बारे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को यहाँ पर अनदेखा किया गया। इसके अलावा रेल भाड़े इस प्रकार तय किए गए कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और वस्तुओं के अंदरूनी आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करने के लिए वर्मा और पश्चिमी भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें यहाँ पर बिछाई गई। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की और तार की व्यवस्था की शुरुआत की। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार यहाँ पर तार लाइनें भी बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 में तार लाइन। और कहाँ कहाँ के बीच में बिछाई गई थी? ये कलकत्ता और आगरा के बीच में, कलकत्ता व आगरा के बीच में यहाँ पर तार लाइन बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। इससे पहले जब कोई पत्र डाक के हवाले किया जाता था तो नगद पैसा देना पड़ता था, उसके डाक की दर भी घटा दी गई। पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखी गई और यह 8 या पुराने 2 पैसे की थी। इसके सुधारों में पहले पत्र पर डाक टिकट कितना लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना दूर जाएगा। कभी कभी तो एक पत्र पर इतना डाक खर्च आता था कि एक कुशल भारतीय मजदूर की 4 दिन की मजदूरी के बराबर होता था। अब बात करें हैं यहाँ पर मालगुजारी की नीति। तो मालगुजारी की नीति क्या है, कौन सी नीति है? मालगुजारी की नीति क्या कहती है? आयात के लिए भारतीय दस्तकारों के और दूसरे माल खरीदने और पूरे भारत की विजय का खर्च उठाने और ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर के ऊंचे और प्रशासकीय और सैनिक पदों पर हजारों अंग्रेजों की नियुक्ति करने और भारतीय ग्रामों और दूरदराज के क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी पूरी घुसपैठ के लिए आवश्यक आर्थिक और प्रशासनिक खर्च उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि भारतीय किसानों के लिए करों के बोझ में भारी बढ़ोतरी
और वास्तव में 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका लक्ष्य मालगुजारी का संग्रह बढ़ाना ही था। कंपनी के व्यापार और मुनाफे के लिए, प्रशासन के खर्च के लिए और भारत में अंग्रेजों के प्रसार हेतु युद्धों के खर्च के लिए धन जुटाने का मुख्यतः भारतीय किसानों और रैयत को ही यहाँ पर झेलना पड़ा है। असल बात यह है कि अंग्रेज किसानों पर करों का भारी बोझ डाले बिना भारत जैसे विशाल देश को जीत ही नहीं सकते थे। एक लंबे समय से भारत के शासक खेतीहर पैदावार का एक भाग जमीन की मालगुजारी के रूप में लेते रहे हैं। यह मालगुजारी या तो कर्मचारी की सहायता से सीधे सीधे ली जाती थी या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बिचौलियों जैसे कि जमींदार, मालगुजारी आदि के माध्यम से ली जाती थी। ये लोग काश्तकार से मालगुजारी वसूली करते और उसका एक भाग अपने कमीशन के रूप में लग देते थे। ये बिचौलिए मुख्यतः मालगुजारी वसूल करने वाले ही होते थे। हालांकि कभी कभी जिस क्षेत्र में मालगुजारी वसूली करते थे वहां उनकी कुछ जमीनें भी होती थी। फिर बात करते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त क्या होता है। इस्तमरारी बंदोबस्त तो इस्तमरारी बंदोबस्त क्या होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, अर्थात उसे वहां मालगुजारी जमा करने का पूरा अधिकार मिल गया था। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली की पुरानी प्रणाली को जारी रखने का प्रयास किया। हालांकि जमा की जाने वाली रकम उसने बढ़ा दी। वह रकम जो 1722 में 1,42,90,000 रुपये थी, 1764 में बढ़कर के कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 1,81,80,000। यानी कि हम कह सकते हैं 1,81,80,000 हो गई थी, जो कि यहाँ पर पहले 1722 में थी वो थी सिर्फ, हम बात करें 1,42,00,000, 1,42,00,000 से डायरेक्ट पहुँच गई थी 1,81,80,000 तक पहुँच गई थी। और 1771 में ये बढ़ करके 2,34,00,000 रुपए हो चुकी थी। 1773 में कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस वसूली की व्यवस्था का निश्चय किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलामी पर लगाकर सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को दे दिया, पर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि जमींदार और दूसरे जो सेटोरिये एक दूसरे से बढ़कर बोली लगाते थे। इसलिए मालगुजारी की रकम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी, अधिकारियों की आशाओं तक शायद ही कभी पहुंची है। इसने कंपनी की आय एक ऐसे समय में अस्थिरता का शिकार हुई जबकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा खेती में सुधार के लिए न तो रैयत कोई प्रतिबंध करती है न ही जमींदार, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि अगले वर्ष कितनी की बोली लगेगी और अगले वर्ष वसूली का अधिकार किसे मिलेगा। यही वह समय था कि वह स्थायी रूप से मालगुजारी का एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार सामने आया। लंबे विचार विमर्श के बाद अंततः लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। तो इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा कब हुई थी, 1793 में बंगाल और बिहार में, बंगाल प्लस बिहार। और किसने ये स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की थी कार्नवालिस ने। कार्नवालिस इसको स्टार्ट करते हैं। मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया, उन्हें अब रैयतों से मालगुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट का काम नहीं करना था बल्कि अब वे जमींदारी के इलाके की सारी जमीन के मालिक बन गए थे। उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। दूसरी तरफ काश्तकारों को दर्जा गिर गया था, अब वे बटाईदार होकर रह गए थे। उन्हें जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे अधिकार और पारंपरिक फायदों से वंचित कर दिया गया। चरागाहों और जंगलों की जमीनें, सिंचाई की नहरें, मछली पालन के तालाब और झोंपड़ी डालने की जमीनों के इस्तेमाल के अधिकार और लगान में वृद्धि और सुरक्षा, ये सभी कुछ ऐसे अधिकार थे जिनसे उनको यहाँ पर वंचित कर दिया गया। वास्तव में बंगाल और बिहार के बटाईगार को अब पूरी तरीके से कंपनी की मालगुजारी संबंधी बेहिसाब मांगे समय पर पूरी कर सके। दूसरी यहाँ पर बात करें, जो वास्तव में बंगाल और बिहार के बटाईगार थे अब वो पूरी तरीके जमींदार की दया पर छोड़ दिए गए। ऐसा करने का कारण यह था कि जमींदार कंपनी की मालगुजारी संबंधी बेहिसाब मांगे समय पर पूरी कर सके। दूसरी ओर जमींदारों को किसान से भी लगान मिलता, उसका 10/11 भाग उन्हें राज्यों को दे देना पड़ता था और वे केवल 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। लेकिन मालगुजारी की जो रकम उन्हें देनी पड़ती थी या देनी थी वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई।
अगर काश्त का क्षेत्र बढ़ने या खेती में सुधार आने के कारण बटाईदार को चूसने की जमींदार की क्षमता अधिक होने के कारण किसी अन्य कारण से जमींदार की जागीर का लगान बढ़ जाए तो वह इसे अपने पास रख सकता है जिसमें राज्य की कोई भी हिस्सा नहीं मांगता है। साथ ही अगर किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए तो जमींदार की मालगुजारी निश्चित तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी वरना उसकी जमीन बेच दी जाती थी। आरंभ में मालगुजारी की रकमों का निर्धारण मनमाने ढंग से और जमींदार से परामर्श किए बिना किया जाता था। इसके पीछे अधिकारियों का उद्देश्य अधिकतम धन जमा करना था। फलस्वरूप मालगुजारी की बहुत अधिक दरें तय की गई। 1765 से 66 और 1793 के बीच मालगुजारी संबंधी मांग लगभग दुगनी हो गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त की योजना तैयार करने वाले कार्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बनने वाले जॉन सोर ने हिसाब लगाया कि अगर बंगाल के कुल उत्पादन को 100 मान लिया जाए तो इसमें 45 पर सरकार का दावा होता था और जमींदार और उसके नीचे के बिचौलियों को 15 मिलता था और वास्तविक काश्तकार के पास केवल 40% ही रहता था। मालगुजारी की इस अत्यधिक एवं असंभव मांग का एक परिणाम यह हुआ कि 1794 और 1807 के बीच जमींदारों को लगभग आधी जमीन यहाँ पर बेच दी गई। बाद में अधिकारी और गैर अधिकारी सभी ने आमतौर पर यह माना कि 1793 के पहले बंगाल और बिहार के जमींदारों के पास जमीन के अधिकांश भाग पर मालिकाना हक नहीं था। तब प्रश्न यह उठता था कि फिर अंग्रेजों ने उन्हें मालिकों के रूप में क्यों स्वीकार किया। इसकी व्याख्या यह है कि यह अंशतः एक गलत फहमी का नतीजा था। उस समय इंग्लैंड में खेती का केंद्रीय चरित्र भूस्वामी होता था। अंग्रेज अधिकारियों ने जमींदारों को इन्हीं भूस्वामियों को भारतीय प्रतिरूप मान लिया। और फिर भी यहाँ पर ध्यान रहे कि अंग्रेज अधिकारी एक महत्वपूर्ण सिलसिले में इन दोनों की स्थितियों में स्पष्ट अंतर करते थे। ब्रिटेन का भूस्वामी बटाईदार ही नहीं बल्कि राज्य की निगाहों में जमीन का मालिक होता था और बंगाल में जमाई जो जमींदार है वो बटाईदार के लिए तो भूस्वामी होता था पर स्वयं राज्य के अधीन होता था। वास्तव में वह स्वयं ही ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग बटाईदार होकर रह गया। ब्रिटिश भूस्वामी के विपरीत जो अपनी आय का बहुत छोटा भाग भी भूमि कर के रूप में देता था बंगाल का जमींदार अपनी मिल्कियत को जमीन से प्राप्त करके 10/11 भाग कर के रूप में दे देता था। वह अगर समय पर मालगुजारी न जमा कर सके तो बड़ी ही बेमुरब्बती के साथ जमीन से बाहर फेंक दिया जाता था और उसकी जमीन जागीर यहाँ पर बेच दी जाती थी। दूसरे इतिहासकारों का विचार है कि जमींदारों को जमीन के मालिक मानने का निर्णय मूलतः राजनीतिक आर्थिक वित्तीय और प्रशासकीय कारणों से प्रेरित था। उनके तीन मार्गदर्शक के कारण थे। उनमें पहला था चतुराई भरी राज्य विद्या का परिणाम अर्थात इसके पीछे राजनीतिक सहयोग बनाने की आवश्यकता काम कर रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों को यह बात समझ रहे थे कि चूंकि वे भारत में विदेशी हैं इसलिए उनका शासन तब तक अस्थायित्व का मारा रहेगा जब तक कि वे अपने और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थों को काम करने वाले स्थानीय समर्थकों का सहारा नहीं लेते। इस तर्क का तत्कालीन महत्व भी था क्योंकि 18वीं सदी के आखिर चतुर्थांश में बंगाल की बड़ी संख्या में जन विद्रोह हुए थे इसलिए उन्होंने जमींदारी के एक ऐसे धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सृजन किया जो अपने अस्तित्व के कारण ब्रिटिश शासन को समझते थे और इसलिए अपने बुनियादी हितों से बाध्य होकर के उनका समर्थन करते थे। वास्तव में यह आशा आगे चल करके एकदम सही साबित हुई क्योंकि स्वाधीनता के उभरते हुए आंदोलनों का विरोध करते हुए जमींदारों के एक वर्ग के रूप में विदेशी सरकार का समर्थन यहाँ पर किया गया। दूसरी ओर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विचार वित्तीय सुरक्षा का था। 1793 से पहले अपनी आय का प्रमुख स्रोत जमीन की मालगुजारी में होने वाले उतार चढ़ाव से कंपनी लगातार पीड़ित रही है क्योंकि प्रसार के लिए होने वाले युद्धों में लगी सेना का बंगाल मद्रास और मुंबई के नागरिक प्रशासन का और निर्यात के लिए तैयार मालों की खरीद का पूरा खर्च बंगाल के राजस्व से ही उठाया जाता था इसलिए कंपनी लगातार वित्तीय संकट का शिकार रही है। इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण एक स्थायी आय की जमानत यहाँ पर मिल गई। जमींदारी के नवसृजित संपत्ति ही उनकी जमानत थी। इसके अलावा इस्तमरारी बंदोबस्त ने कंपनी की आय को बहुत अधिक बढ़ा दिया क्योंकि वह मालगुजारी की ऐसी दरें निर्धारित की गई जैसी दरें पहले कभी नहीं की गई। थोड़े से जमींदार के माध्यम से मालगुजारी की वसूली लाखों काश्तकारों से सीधे संबंध बनाने की अपेक्षा बहुत आसान और कम खर्चीले भी लगी। तीसरी आशा की गई कि इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण खेतीहर उत्पादन बढ़ा सकेगा क्योंकि यह तय था कि जमींदारी की आय बढ़ने पर भविष्य में मालगुजारी नहीं बढ़ाई जाएगी इसलिए जमींदार को इस बात से प्रेरणा मिली कि वे खेती का क्षेत्रफल और कृषि की उत्पादकता बढ़ाए जैसा कि ब्रिटेन में वहाँ के भूस्वामी कर रहे थे। जमींदारों की इस्तमरारी बंदोबस्त को बाद में उड़ीसा मद्रास और उत्तरी जिलों के और बनारस जिले में भी लागू किया गया।
मध्य भारत में कुछ भागों और अवध में अंग्रेजों ने अस्थायी जमींदारी की एक व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन का मालिक तो बना दिया गया, उन्हें मालगुजारी देनी पड़ी। इसके समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता था। विदेशी सरकार की जमीनें देने का सिलसिला अब सरकार ने आरंभ किया और पूरे भारत में एक अन्य प्रकार की जमींदार वर्ग यहाँ पर पैदा हुआ। फिर बात आती है रैयत बारी बंदोबस्त की। बात किसकी बात आती है? रैयत बारी बंदोबस्त। रैयत बारी बंदोबस्त, तो ये रैयत बारी बंदोबस्त की बात करें, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से जमीन के बंदोबस्त की नई समस्याएं उठ खड़ी हुई। अधिकारियों का यह मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरें वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ मालगुजारी के बंदोबस्त किए जा सके, इसलिए वहां जमींदार प्रथा यहां पर लागू करने से स्थिति उलट पलट जाएगी। रीड और मुंड्रो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस्तेमारी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है क्योंकि उसे मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता है और जमीन से होने वाली आमदनी के बढ़ने पर उनमें से हिस्सा नहीं मांग सकती। इसके अलावा काश्तकार अब जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए, वे उन पर मनमाना जुल्म ढा सकते थे। उन्होंने जिस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था उसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा जाता है। इस प्रथा में काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोतता या बोता था उसका मालिक मान लिया गया। शर्त यह थी कि वह उस जमीन की मालगुजारी देता रहे। रैयतवारी प्रथा के समर्थकों का दावा था कि यह पहले से मौजूद व्यवस्था को ही जारी रखती है। मुंड्रो का कहना है कि यह वह प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है। अंततः 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंस के कुछ भागों में रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया और इस प्रथा के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्रत्येक 20-30 वर्ष के बाद इसका पुनर्निर्धारण किया जाता रहा था और यह आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। रैयतवारी बंदोबस्त ने कृषक स्वामित्व की किसी प्रथा को जन्म नहीं दिया था। किसानों ने जल्दी ही देख लिया कि अनेक जमींदारों की जगह पर एक दानवाकार जमींदार या राज्य ने ले ली है। वे सरकार के बटाईदार मात्र हैं, जो नियम पूर्वक मालगुजारी नहीं भरे तो जमीन बेच दी जाएगी। वास्तव में आगे चलकर सरकार ने खुलकर यह दावा किया कि जमीन की मालगुजारी कोई करने होकर लगान है और जमीन पर रैयत के मालिकाना हक को 3 अन्य कारणों से भी समाप्त कर दिया गया। अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित मालगुजारी बहुत अधिक होती थी और अच्छे अच्छे मौसम में रैयत के पास किसी भी तरह गुजर बसर करने के साधन ही बचते थे। उदाहरण के लिए मद्रास में जब यह व्यवस्था की गई तो सरकार ने कुल उत्पादन का 45-55% भाग मालगुजारी के रूप में मांगा और बम्बई में भी यहाँ पर यही स्थिति थी। इससे भी बुरी स्थिति थी मुंबई में। सरकार ने जब भी चाहे मालगुजारी बढ़ाने का अधिकार अपने हाथ में रखा। अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ से थोड़ी बहुत या पूरी नष्ट हो जाए तो भी उसे मालगुजारी देनी पड़ती थी। एक आती है यहाँ पर महलवारी प्रथा। कौन सी आती है? गंगा के दुआब में पश्चिम उत्तर प्रांत में मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया जिसे महलवारी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवार के मुखियों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते थे। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जानी वाली यह संशोधित महलवारी प्रथा लागू की गई। महलवारी क्षेत्रों में भी मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता रहा है। जमींदारी और रैयतवारी ये दोनों प्रथाएं देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। अंग्रेजों ने भूमि में नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उनका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। पूरे देश में अब भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। अगर जमीन को हस्तांतरित और बिकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो सरकार के लिए काश्तकार से मालगुजारी वसूल कर पाना बहुत कठिन होता, क्योंकि काश्तकार के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या कोई वस्तु नहीं होती। अब वह मालगुजारी जमा करने के लिए जमीन की जमानत दे करके धन उधार ले सकता था और उसका एक हिस्सा बेच दे सकता था। अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है तो सरकार मालगुजारी की रकम निकलवाने के लिए उसकी जमीन की नीलामी कर सकती थी, अक्सर ऐसा करती भी थी।
जमीन को निजी संपत्ति बनाने का एक कारण यह विश्वास भी था कि स्वामित्व का अधिकार मिलने पर भूस्वामी रैयत इसमें सुधार करने का प्रयास करेगा, जमीन को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकेगा, या जमीन को यहाँ पर आसानी से खरीदा और बेचा जा सकने वाला एक माल बनाकर अंग्रेजों ने देश में प्रचलित भूमि प्रथाओं में एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया। भारतीय ग्रामों का स्थायित्व और उसकी निरंतरता का ढांचा चरमरा उठा। वास्तव में इससे ग्रामीण समाज का पूरा ढांचा ही अब टूटकर बिखरने लगा। अब हम नेक्स्ट अगले ऑडियो में देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति किस तरीके से रही है।